नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय संसदीय दल का नेता चुना गया। भारतीय संसद दल का नेता चुनने के बाद उन्हें एनडीए का नेता भी चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। अमित शाह के इस प्रस्ताव के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समर्थन किया, जिसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों ने दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एनडीए का नेता चुना गया तो उसका प्रस्ताव पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रखा और उसका अनुमोदन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने तथा रामविलास पासवान ने व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।